से देखते हुए झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा है और इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज वसुंधरा राजे पिड़ावा क्षेत्र का दौरा करेंगी। पिड़ावा रायपुर सुनेल के कार्यकर्ताओं से भी वसुंधरा राजे मुलाकात करेंगी। तो चुनावी साल है, लिहाजा अब लगातार दौरे भी जारी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झालावाड़ से, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंचेंगी, जहां पर पिड़ावा क्षेत्र का दौरा करेंगी और रायपुर सुनेल के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सफाई कर्मचारी भर्ती मामले में आज भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेंट्रल पार्क में सफाई कर्मचारी जुटेंगे, कर्मचारियों का सीएम आवास घेराव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चेतावनी दी गई है। इसे लेकर गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने ये बड़ा ऐलान किया है। सक्षम अधिकारी के अनुभव प्रमाण पत्र में बाध्यता खत्म करने को लेकर लगातार मांगे की जा रही है, जबकि दूसरी ओर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में है। तो यहाँ पर दो पक्ष नजर आ रहे हैं, एक समर्थन में है, दूसरे विरोध में है। आज इसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सेंट्रल पार्क में सफाई कर्मचारी इकट्ठा होंगे, बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा होंगे और सीएम आवास के घेराव की भी रणनीति तैयार की गई है। तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जब इसे लेकर प्रदर्शन किया गया था, और आज एक बार फिर से इस प्रदर्शन को उग्र करने की तैयारी की गई है। गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने ये बड़ा ऐलान किया है। सक्षम अधिकारी के अनुभव प्रमाण पत्र में बाध्यता खत्म करने की मांग की जा रही है, और इसी को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाना है। तो जहां एक ओर वाल्मीकि समाज इसके समर्थन में है, तो वहीं गैर वाल्मीकि समाज की ओर से आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक और प्रदर्शन की तैयारी क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, कुछ हलचल देखने को मिल रही है क्या? देखिए, कुछ देर में यहां पर जो गैर वाल्मीकि समाज है उसके सफाई कर्मचारी इकट्ठा होंगे और अपना एक प्रदर्शन, अपना जो विरोध है इस बारे में प्रकट करेंगे कि जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा जारी होने वाले अनुभव प्रमाण पत्र पर रोक लगाई जाए। ये जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो शुरू से ही जारी होने के साथ में विवाद में थी, और पहले वाल्मीकि समाज जो है वो अपनी प्राथमिकताओं को लेकर के मांग कर रहा था, और डीएलपी तक ये मांग पहुंची, एलएसजी के अधिकारियों की बैठक हुई, और उसके बाद में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद में यह फैसला हुआ कि अनुभव जो है वो देखा जाएगा, तभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन जो गैर वाल्मीकि समाज के भी जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मांग है वो किसी तरह से जायज नहीं है, इस मांग को हटाया जाना चाहिए। अब एक तरह से दो फाड़ जैसी स्थिति है, एक वाल्मीकि समाज के, दूसरे गैर वाल्मीकि या भिष्टी समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी इस दौरान में अपनी बातों को रख रहे हैं, मांगों को रख रहे हैं। तो ऐसे में ये टकराव की स्थिति बनी हुई है जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी, टकराव की स्थिति है, दो पक्ष अलग अलग विचार रख रहे हैं। अब देखना है कि आज प्रदर्शन में क्या होता है, क्योंकि सीएम आवास के घेराव की भी चेतावनी दी गई है। आप नजर बनाए रखेगा महेश, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक के मालपुरा से